तो कैसे हो मेरे मित्रों और सज्जनों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजुकी के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और जो भी हम बात करने वाले हैं हम सुजुकी के बाइबल में से बात करने वाले हैं इसके अलावा हम कहीं और से बात नहीं करने वाले तो इस वीडियो में इस पूरे कंसोल पे जितने भी बटनज़ हैं इसके बारे में हम बात करेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आइकन्स हैं लोगोज़ हैं सिम्बल्स हैं उनका क्या मतलब है उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये जो हैंडल बार है इस पर किन तरीके के फीचर्स हैं किस तरीके के बटन से वैसे तो चलो बेसिक जो नॉर्मल सा होता है वही है ज्यादा इसमें कोई इतने फीचर्स है नहीं बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ जिनको ये उत्सुकता होगी जानने की कि राइट हैंड साइड में कौन से बटन्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में कौन से बटन्स हैं ये फिलहाल मेरा हाइड्रेशन बैग था जो मैंने ट्रिप के लिए लिया था और आगे की ट्रिप के लिए करूँगा बहुत ही बढ़िया सा है इसमें आप भाई स्पॉन्सर नहीं है बट अगर कल्बोनाडो वाले अगर आप देख रहे हो भाई स्पॉन्सर कर दो यार तो ये बैग हाइड्रेशन बैग भी है प्लस ये लैपटॉप बैग भी है और बहुत यू you नो know, सही बैग है आप डेली आ, क्या बोलते हैं सिटी कम्यूटिंग में आप यूज़ कर सकते हो ऑफिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो लैपटॉप चौदह इंच का रख सकते हो पच्चीस से तीस सेकेंड लेते हैं और बटन्स की बात करते हैं कौन से वाले हैंडल बार के जो लेफ़्ट हैंडल बार में आपको मिलेगा आपको आगे से स्टार्ट करें तो आपको पाँच स्विच मिलेगा अपर डिपर जो डिपर मारते हैं उसके लिए ये आपको मिलेगा अपर बीम लोअर बीम देन आपको मिलेगा साइड इंडिकेटर बहुत ही बेसिक सा है ज़्यादा कुछ है नहीं लेफ्ट और वापस सेंटर में आ जाएगा राइट इंडिकेटर और वापस सेंटर में आ जाएगा इंडिकेटर उसको बंद करने के लिए आपको वापस दबा देना है दिस इज़ बेसिकली हॉर्न इतना ह्यूज हथौड़े सा गाड़ी दे दिया है और आपको हॉन ही की मिलता है तो बजा के देख लेते हैं हाँ स्कूटी वाला हॉर्न है तो ये जो आपको हॉर्न मिलता है ये आपको इस गाड़ी के राइट साइड में मिलता है अगर आप गाड़ी की तरफ फेस करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहा छोटू सा हॉर्न कमेंट करो जो चाहते हैं कि मैं ये हॉर्न चेंज करूँ और बढ़िया वाला यू नो बाहुबली वाला हॉर्न लगाऊँ तो ये करता हूँ मैं बंद आते हैं हम लोग राइट हैंडल बार बटनस के ऊपर जहाँ पे आपको मिलेगा इंजन वाला स्विच किल स्विच ये ऑफ स्टेट पे है ये ऑन स्टेट पे है ऑन से मतलब है अगर मैं अभी क्लच लेके सेल्फ दूंगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी इससे मैं आपको एक और बात जल्दी से बता दूं कि आप गाड़ी चला रहे हो गाड़ी चल रही है तो चलती गाड़ी में डायरेक्ट बंद मत कर दो न्यूट्रल पे करो उसके बाद इसको ऑफ़ करो दूसरा मैं बताऊं तो ये आपको सेल्फ वाला बटन मिलेगा दैथसेट यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है एक और बटन लगाने के लिए थर्ड पार्टी आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा चाहे वो हैज़ार्ड का हो जाए या फिर किसी और चीज़ का हो जाए एसेसरी का इतना बेसिक सा है वेटी मच डैट सेट और कुछ नहीं है तो अभी मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करता हूँ और आपको समझा देता हूं जब मैं इसको ऑन करूंगा पहले तो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिवाली की तरह जगमगा उठेगा बट तीन सेकंड तक कुछ चीजें ऑन रहेगी जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं तीन सेकंड के बाद वो लाइट्स भी चली जाएंगी तो होगा क्या जब मैं इसको ऑन करूंगा तो सारे लाइट्स ऑन हो जाएंगे बट कुछ लाइट तीन सेकेंड तक ही ऑन रहेंगे तो जब आप इसको ऑन करोगे तो आपको सारे आइकन्स दिखाई देंगे बट उसको समझाने के पहले मैं आपको बता दूं ये जो ब्लैक स्क्रीन है इस इसपे कुछ आइकन हैं जो ग्लो होते हैं और जो इस स्क्रीन के अंदर जो आइकन हैं वो अलग है तो हम पहले बात करेंगे बाहर के के बारे में जो 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 आपको ब्लैक ब्लैक पोर्शन पोर्शन दिख रहा है इन पोशन जो है इन पे लाइट्स ऑन ऑन होती वो स्टार्टिंग के तीन तक होगी और बाद में वो ऑफ हो जाएगी वो है माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट जो आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टर वार्निंग इंडिकेटर लाइट जो आपको मिलेगी राइट हैंड साइड पे इंजन आरपीएम इंडिकेटर लाइट जो आपको मिलेगी अगेन राइट हैंड साइड पे सुजुकी राइट कनेक्ट इंडिकेटर जो आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड पे जो आई कलर का आपको दिख रहा है वहाँ पे कलर का लाइट ग्लो होगा तो ये सब जो लाइट थी ये तीन सेकंड के लिए ऑन रहेगी आपको इस ब्लैक वाले डिस्प्ले पे और तीन सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाएंगी और उसके बाद क्या बचेगा सिर्फ न्यूट्रल और एबीएस राइट तो इसमें आपको जो न्यूट्रल मिलेगा आपको पता है कि गियर न्यूट्रल पे है और ये एबीएस वाला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर वो आ जाती है तो आपका एबीएस जो लाइट है वो बंद हो जाएगा इन शॉर्ट गाड़ी चलते ही आपका एबीएस वाला लाइट बंद हो जाएगा ये भी नहीं बचेगा और ना ही ये बचेगा कुछ नहीं बचने वाला इसके ऊपर तो जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे तीन सेकेंड के बाद लाइट चली जाएगी उसमें से जो पहला सिंबल है दैट इज माल फंक्शन इंडिकेटर जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा देन देयर इज मास्टर माल फंक्शनिंग वो आपको राइट right साइड में दिखाई देगा अगर आपको कोई सिंबल दिख रहा हो

इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा बट द रीजन इज ये तब आएगा जब एग्जॉस्ट गैस रिलेटेड है और जब ये नॉन एग्जॉस्ट गैस रिलेटेड है तो दोनों का errors का एरर्स सिग्निफिकेंस अलग अलग है तो आप समझ जाओगे कि किस सिंबल से किस टाइप का प्रॉब्लम है देन वी हैव ऑन द ब्लैक पैनल ये वाला लाइट आरपीएम लाइट दिस इज आर पी एम इंडिकेटर लाइट जो भी आपने आरपीएम सेट किया होगा उसको क्रॉस करने पर यहाँ पे लाइट हाँ ग्लो होगी उसके अलावा मैं अगर ब्लैक वाले पे बात करूं अपार्ट फ्रॉम माल फंक्शनिंग एंड ऑल तो हमको क्या मिलने वाला है हमको मिलेगा अपर बीम वाला जो आपको इस लाइट से शो करेगा जो हर गाड़ियों में कॉमन होता है उसके बाद हमको मिलेगा लेफ्ट राइट इंडिकेटर ऑलराइट राइट राइट सो so, ये लेफ्ट इंडिकेटर भी आपको ब्लैक पैनल में मिलेगा तो हमने ब्लैक पैनल ऑलमोस्ट कवर कर लिया है कि किस किस तरीके के आइकन आएंगे उनका सिग्निफिकेंस क्या है अभी हम बात करते हैं ये जो स्क्रीन है इसके अंदर कौन कौन से आइकन है हम उनकी बात करेंगे तो अभी करेंटली काफी सारे आइकन मिसिंग है बट मैं स्टार्ट करूंगा ऑयल इंडिकेटर से जो आपको जस्ट क्लॉक के लेफ्ट साइड में मिलेगा अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन शॉट भी दिखा देता हूँ और ऑन करके भी दिखा देता हूँ जब हम ऑन करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे आइकन्स डिस्प्ले होते हैं तो जो पहला इंडिकेटर है वो आपका ऑयल इंडिकेटर है वो अगर आता है तो इट्स क्लियरली जो प्रोग्राम किया हुआ है कंपनी से सेट किया हुआ है 5000 थाउजेंड किलोमीटर्स पे, वो आपको यहाँ पे एवरी 5000 थाउजेंड किलोमीटर्स ऑयल का सिंबल आ जाएगा कि अभी ऑयल चेंज करवाना है सेकेंड वन इज़

वो भी हम बात करेंगे सो so, मैंने अभी सिलेक्ट दबा दिया बटन ग्लो है बटन ग्लॉक कहते हैं कि काफी टफ है बट अगर आप राइट स्पॉट दैट स्वीट स्पॉट और यू कॉल जी स्पॉट पे अगर आप सही तरीके से दबाओगे तो आपको करंट एग्जैक्टली ये चेंज होते हुए हो मिलेगा आपको ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू द स्वीट स्पॉट तो मैं ले आया हूं ऑडोमीटर रीडिंग पे ये जो इसकी बाई डिफॉल्ट है ट्रिपल जीरो थ्री जीरो फाइव द मैक्सिमम रेज इज नाइन लैक नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन तो इतना तक आपको रीडिंग दिखाएगा अगर मैं फिर से एक बार दबा दूं तो ये तो हो गया ऑडोमीटर का तो अगर मैं ट्रिप ए से फिर से एक बार दबाऊंगा मुझे एवरेज दिखाई देगा एवरेज ए जो कि एवरेज का मतलब होता है ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों ट्रिप्स में जितना भी किलोमीटर कवर किया होगा उसका एवरेज माइलेज आपको दिखाएगा जो कि ये करेंटली दिखा रहा है थर्टी किलोमीटर पर लीटर ऑल दिस वन इज योर एवरेज फ्यूल कंजम्पन फोन आ गया यार हद होती है सो आफ्टर एवरेज ए जो कि मैंने बताया दोनों ट्रिप्स का माइलेज कैलकुलेट करता है उसके बाद आएगा आपको ट्रिप बी ट्रिप बी मैंने बता दिया आपको आपको एक और ट्रिप मिलता है ट्रिप बी के बाद आएगा एवरेज बी दिस इज अगेन द एवरेज कैलकुलेटेड बाय द किलोमीटर्स कवर्ड इन बोथ द ट्रिप ए ए एंड ट्रिप बी ये आपको डैश या फिर जीरो शो करेगा जब आप किसी भी ट्रिप को रिसेट कर देते हो अगर आपने ट्रिप बी रिसेट किया तो आपको एवरेज बी जीरो दिखाई देगा जीरो तो नहीं आपको डैश दिखाई देगा एवरेज बी के बाद आता है डैश 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 किलोमीटर पर लीटर दिस इज योर इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पन मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो उस मोमेंट पे दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम फिजिक्स में पढ़ा था हम लोगों ने तो ये सेम फिना है कि गाड़ी चल रही होगी तो आपको उस टाइम पे कितना फ्यूल कंजम्पन हो रहा है वो आपको दिखाएगा अभी जैसे कि गाड़ी इडल है तो आपको दिखा रहा है सिंपली डैश इसको मैं फिर से एक बार दबाऊंगा आपको बैटरी का वोल्टेज शो करेगा 12.5 पॉइंट फाइव ऑल राइटिंग इट अगेन आपको अगेन बैक टू नॉर्मल तो अभी हमने पूरा समझ लिया कि इंस्ट्रोमेंट क्लस्टर के बारे में आइकन्स क्या है क्या क्या नहीं है दो जो बटन है यहाँ पे इससे आप पैरामीटर्स चेंज करते हो जैसे कि आपका आरपीएम इंडिकेटर है आपका टाइम है बाकी सब हम फ्यूल का क्लॉक का आरपीएम का किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर मुझे सपोज करो ट्रिप बी जो मैं ले आता हूं यहां से क्लिक करके या मुझे अगर ट्रिप बी को रिसेट करना है तो मैं क्या करूंगा मोड नहीं दबाऊंगा मैं सिलेक्ट बटन को दो सेकेंड के लिए प्रेस करूंगा और वो रिसेट हो जाएगा तो सिलेक्ट बटन से पैरामीटर्स स्विच होंगे और सिलेक्ट को मैं अगर दो बार दबाऊंगा तो वो रिसेट हो जाएगा फिर आता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये इसका अभी मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा बट स्टिल मैं आपको अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा थोड़ा 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 सा कि क्या है ये पेयर करने के लिए आपको ये बटन दबाना है पेयरिंग स्टार्ट फिर आपको फोन लेना है उसमें आपके ऐप आप इंस्टॉल्ड होनी चाहिए सुजुकी वाली और कोई ऐप आप नहीं आपने ये ऐप खोली तो इसके अंदर जो भी इसमें डेटा है वेलकम हेलमेट डूड जो भी इसमें डेटा है वो सारा यहाँ आ जाएगा ठीक है ट्रिप पे हमने ट्रिप भी रिसेंटली जीरो किया रिसेट किया वो जीरो दिखा रहा है राइट काउंट्स ए ऑडोमीटर रीडिंग इतना फ्यूल इतना सेटिंग्स है आप यू नो नोटिफिकेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हो इनकमिंग कॉल्स का यहाँ आप पे आपको दिखाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का हम अलग से बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक ग्लिंप्स दे रहा हूँ देन दिस वन इज योर मेन थिंग यहाँ पे आपको मैप मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मुझे घर जाना सपोज करो जो मैं भी जाने वाला हूँ तो मान लो मैंने घर का सिलेक्ट किया रास्ता यहाँ पे आ गया मैं जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करूँगा ना ये वाला बटन यहाँ पे वो मैप दिखाई देगा देख लो आप ठीक है सेव स्टार्ट यहाँ पे आपको शो करेगा अब इसका मतलब क्या है सेवन ट्वेंटी मीटर्स मतलब यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है सिक्स थर्टी वन पी एम इसका मतलब है कि सिक्स थर्टी वन तक मैं पहुँचूंगा सेवन पॉइंट एट किलोमीटर्स ये आपको दिखा रहा है कि इतना डिस्टेंस पे यू you नो know, इतना डिस्टेंस है फॉर योर होम तो बेसिक सा है रीड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ द फॉन्ट्स दे हैव चोसन यहाँ पे देखो डॉट कैसा है ये पॉइंट कैसा है आई I मीन mean, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बेसिक सा है या गाइस, सो दैट वाज इट यही था छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंटल क्लेशर के बारे में जैसे कि मैंने लास्ट फीचर बताया आपको कि ये वाला जो साइड है ये पूरा कैलकुलेट हो जाता है इस साइड में आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं बट सपोज करो मुझे जाना है अभी घर इसको मैंने किया ऑफ रास्ते में कहीं रुका ऑफ कर दिया ठीक है अब बोलोगे यार वापस डालना पड़ेगा फोन के अंदर फोन तो जेब में है बट नहीं मैं वापस अगर इसको ऑन करूँगा वो बोलेगा मुझे हेलमेट डूड वेलकम और फिर वो ऑटोमेटिकली यहां पे वापस रिज्यूम कर लेगा आपका जो भी रूट था जो भी टाइम था जो भी डिस्टेंस जितना भी है वो सब दिखाएगा स्टिल इसमें थोड़े से इश्यूज हैं बग्स हैं ऐप में स्टिल जो इनके सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बैठे हैं जो ऐप पे काम कर रहे हैं उनको काफ़ी काम करना है बहुत सारे इश्यू जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो मैं टर्न बाइट टर्न नेविगेशन का वीडियो जब बनाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में समझाऊंगा कि उस टर्न बाइट टर्न नेविगेशन में ऐप को कैसे यूज़ करना है ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं उसमें किस तरीके से देखना है बिल्कुल एक बारीकी से समझाऊंगा तो फिलहाल मैंने ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का एक ओवर व्यू दे दिया जो आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा दैट्स ऑल इन दिस वीडियो आई विल सी इन द नेक्स्ट मोटर व्लॉग टिल देन टेक केयर बाय बाय मैं से बंद कर रहा हूँ जाना मुझे भी घर ही है थोड़ी सी सांस ले लूँ यार हेलमेट निकाल के थोड़ा सा सांस ले लूँ थक गया मैं यार